कारगिल हुआ तो फॉर्मली जो इंटीमेशन आई थी उसकी ब्रीफिंग दी गई मियाँ साहब को एज प्राइम मिनिस्टर एक फॉर्मली 17 मई 1999 डीजीएमओ ने दी थी। लेकिन उससे पहले वो इंडिया से आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी एंड देयर वाज अ रियलाइजेशन कि समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल में। इसका मतलब ये है कि जब वाजपेयी लाहौर आए थे उस वक्त मियां नवाज शरीफ को इल्म नहीं था? नॉट एट ऑल। वाजपेयी साहब आए थे कोई 20-21 फरवरी को और वो बड़ा अच्छा माहौल था और वाघा बॉर्डर में हमने रिसीव किया, प्राइम मिनिस्टर थे और फिर हम उनको हेलीकॉप्टर में गवर्नर हाउस लेके आए जहां उनका इस्तकबाल जो सर्विस चीफ्स ने किया, आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ और जो एयर और नेवल चीफ थे उन्होंने बकायदा सलूट भी किया। ये बात कही जाती है कि जनवरी में एक ब्रीफिंग दी गई थी और नवाज शरीफ को बताया गया था कि कारगिल होने जा रहा है। जनवरी में तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी, मैं था उसमें और वो तो वैसे जनरल ब्रीफिंग थी सिक्योरिटी के ऊपर। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, हुकूमत के स्पोक्समैन थे उस वक्त। इनिशियली ISPR की तरफ से ये कहा जाता रहा कि वहाँ पर कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, आपको ये कब पता चला कि वहाँ पर फ़ौज है? ये मामला पब्लिक हो गया तो फिर मुझे कहा गया कि आप ब्रीफिंग दें, क्योंकि मैं तर्जमान था हुकूमत का। तो मैंने कहा कि मैं ब्रीफिंग अकेले नहीं दूंगा, मेरे राइट पे बैठेगा DG ISPR ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी और मेरे लेफ्ट पे बैठेगा फॉरेन ऑफिस का स्पोक्समैन। उस वक्त फिर मुझे इन्होंने बताया DG ISPR ने कि सर आपको मालूम है कि ये जो हैं सिलसिला ये हमारे बंदे हैं। उस वक्त मुझे मालूम हुआ यानी कि फ़ौज है, हमारी फ़ौज है वहाँ पर। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी NLI। और ये आपने बताया ये मई था अगेन? हाँ मई, आई वुड से द सेकंड हाफ ऑफ मई, लास्ट वीक ऑफ मई कह लें। तो उसको मालूम हुआ कि ये हमारे रेगुलर्स हैं। तो कैसा महसूस हुआ गवर्नमेंट का पाकिस्तान के एक फेस और स्पोक्समैन होने की हैसियत से? वो बहुत मुश्किल मरला था, बल्कि मैंने तो ये कहा भी उस वक्त कि हमें बात सच करनी चाहिए कि ये बात है कि हिंदुस्तान ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल जो वायलेशन की थी 1984 में सियाचिन की, तो अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये फैक्ट्स हैं और मसला हल करें। लेकिन आपको दिक्कत महसूस हुई, आपको मुश्किल लगा उस वक्त एक चीज़ जिसका खुद आपको उस वक्त पता चल रहा है कि आप उसको बैठ के डिफेंड करें? बहुत मुश्किल था। फिर हमने कैबिनेट मीटिंग भी हमारी हुई, हमने कहा 3 जून को हुई थी गालबन, उसमें भी बात हुई। गवर्नमेंट सर्कल्स थे जब प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई मई में और पता चला, तो क्या उस वक्त माहौल और रिएक्शन और तासुर क्या था? शॉक का था और हैरानगी का था और उसमें मेरे ख्याल में एक वो जो एक सिस्टम के अंदर एक तकसीम आनी शुरू हो गई थी कि ये तो पता नहीं कैसे कर लिया इतनी बड़ी चीज़ कि एक मतलब है कि हम एक तरफ वाजपेयी साहब को वेलकम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जंग की तरफ जा रहे हैं तकरीबन। और बल्कि मुझे याद है डिफेंस सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी थी कैबिनेट को, जनरल इफ्तखार अली खान, तो उन्होंने कहा था कि ये बड़ा गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। आप प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब थे उन दिनों, प्राइम मिनिस्टर ने आपसे कुछ शेयर किया कि उनको कैसा महसूस हुआ? शॉक भी था और एक मायूसी भी थी कि एक हम एक डगर पर जा रहे थे मुजाकरात के, एक प्रोसेस शुरू हुआ था और हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म आपके मुल्क खुद चल के आया और एक नई सिचुएशन, न्यूक्लियर पावर्स थे, तो उसके बाद सडनली ये हम एक नए बड़े इतने बड़े बुहरान में फंस गए हैं जिसका नतायज हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दबाव कितना था? दबाव तो इंटरनेशनल था बेसिकली, हमारे नर्व्स वर स्ट्रॉन्ग, वी वर अ न्यूक्लियर पावर, हमें पता था और हमें पता था कि क्या रेड लाइन्स हैं, कि हिंदुस्तान वो रेड लाइन्स क्रॉस नहीं करेगा, ये मुकम्मल कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी। क्या ऐसी बात हुई कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको मोबिलाइज किया जाए? नो, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। न्यूक्लियर फैक्टर डिड नॉट कम इनटू प्ले, या किसी ने सोचा भी उसका हो कि ये पहले तो बात है कि अभी तो जंग ही नहीं शुरू हुई थी, अभी तो स्कर्मिशेस हो रही थी, क्लैशेस हो रहे थे बॉर्डर पर, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग तो कोई नहीं थी, तो न्यूक्लियर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी सिचुएशन में सोचा जाए। और ये बात दोनों तरफ से थी। जुलाई 1999 में नवाज शरीफ जो हैं वो US गए, अमेरिका जाने से पहले उनकी अपनी कैबिनेट के साथ कोई मुशावरत हुई? नहीं, मुझे सिर्फ इंटीमेशन आई। मैं उस वक्त जब वो जा रहे थे मैं उस वक्त अपने फैमिली के साथ
नथिया गली में था। समझा जाता बहुत एब्रप्टली सब कुछ हो गया और वो अचानक से चले गए। तैयारी हो रही थी और अगर आपको याद होगा कि उससे पहले भी GHQ का रابطہ था विद द अमेरिकन्स, ये उनकी आशीर्वाद के साथ गए थे। जनरल मुशर्रफ उनको सी ऑफ करने आए। नवाज शरीफ यहाँ से गए तो क्या कुछ बातें ऐसी थीं जो तय की गई थीं कि जो जाके उन्हें करनी थी पाकिस्तान के बिहाफ पे और नहीं की गई? वो उस लेवल पर हुई होंगी उनकी आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात थी, क्योंकि बेसिकली इट वॉज अ मिलिट्री इशू और अब ये इशू था कि चूँकि अब आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन का ख़तरा था, तो उनकी आपस में मुशावरत जो भी हुई उस लेवल पर हुई। मुशर्रफ ये कहते हैं कि एक बहुत ही जीती हुई किस्म की जंग या सिचुएशन थी, लेकिन सियासी क़यादत की कमज़ोरी की वजह से वो शिकस्त में तब्दील हो गए। मैं ऐसे अजम्पशन से एग्री नहीं करता, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारा कारगिल में हमने वही गलती की जो 1965 में हमने गलती की थी कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिसीशन मेकिंग हमारे यहाँ नहीं है, कि इदारती फैसला करना मशावरत के साथ और फिर इत्तफाक राय होता है, फिर आगे लेके चलते हैं। 65 वॉर में भी 12 डिवीजन है मरी में, 4-5 लोग थे उधर, अयूब खान साहब थे, और वही इधर भी हुआ 3-4 लोग थे, फैसला कर लिया। और अजम्पशन भी वही थी 65 वॉर की, जो अजम्पशन थी वो आपने 1999 में वही दोहराई कि हम जो मर्ज़ी करेंगे हिंदुस्तान उसका रिएक्शन उस तरह नहीं होगा। आपको लगता है कि जो कश्मीर पे पाकिस्तान का स्टांस था उसे नुकसान पहुंचा का? यस, कश्मीर को मुंसलिक हो गया दहशतगर्दी के साथ, हिंदुस्तान ने अमेरिका से कुर्बत बना ली और अमेरिका की टिल्ट होगी टुवर्ड्स इंडिया, वो टिल्ट वहाँ से शुरू होती कारगिल से। और इधर अपने सबसे बड़ी बात है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लॉस ऑफ लाइव्स, हमारा बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, हमने केटर नहीं किया था, जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाईज नहीं पहुंचा सके थे, हमारा ख्याल ही नहीं था, इंडिया तो बोफर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया, उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड अजम्पशंस थी। किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी, मुझे एक फ़ौजी मिला, सीनियर बंदा, 17 मई की ब्रीफिंग के बाद, मैंने कहा क्या असेसमेंट है, क्या हो रहा है? कहते सर या कोर्ट मार्शल होगा या मार्शल लॉ होगा। 3-4 लोग जनरल्स जिन्होंने कारगिल किया था, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी हुई? कोई अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं होती जो हुकूमत में है, अकाउंटेबिलिटी सिर्फ लावारसों की होती है, मजलूमों की होती है, मुखालफीन की होती है। आजकल तो लोग कहते हैं सियासतदानों की भी काफ़ी, वो सियासतदान जो हिजब इख्तलाफ में है। क्यों नहीं हो सकी अकाउंटेबिलिटी? हमारे दोगले मेयार हैं और हम खौफजदा हैं एट द टॉप लेवल ऑल्सो, हमारे तो इतना जो खामोशी से खुफिया फैसले होते हैं, हम तो अपने साये से डरते हैं। इतने 100 जाने जाया हुई इसमें, इंटरनेशनल प्रेशर आया। लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जाने चाहे सिविलियन की हों या वर्दी वाले की हों, जान इज द मोस्ट प्रेशियस पोजेशन, और वैसे भी जिसमें मुल्क का भी नुकसान हुआ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई और कभी भी नहीं फिक्स हुई। लेकिन ये काम तो सियासतदानों का था, मतलब प्राइम मिनिस्टर को अगर ब्रीफिंग भी 2-3 महीनों के बाद मिल रही थी तो क्या ये उन पे ओनस नहीं था कि वो कमीशन बनाते? उनका इरादा बन रहा था लेकिन वो उससे पहले ही मामला थी, लेकिन ये मैं समझता हूँ होना चाहिए था, यस, क्योंकि आफ्टर ऑल एक जो भी है इन द ड्राइविंग सीट, वो ऐसे फैसले होने चाहिए बर वक्त। इंडिया दावा करता है कि कारगिल में पाकिस्तान के जो फौजी मारे गए थे पाकिस्तान ने उनकी लाशें लेने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है कि हमने लाशें लेने से इनकार कर ली। जब मामला ओपन आ गया था, जब हमें हमने खुद एक साइन हो गया था वो वाशिंगटन डिक्लेरेशन भी 4 जुलाई को, तो विड्रॉल के ऊपर, तो फिर तो जाहिर था कि हमने हमारी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार थी, तो जो हमारे असासे थे चाहे ह्यूमन या दूसरे, तो वो हमने वापस लिए। कितने लोग मारे गए थे? आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स, लेकिन मैंने कुछ फौजी अफसरान को मिला था उस वक्त और मैं देखा था कि वो कुछ ये भी था कि ये विड्रॉल के ऊपर नाराज़गी थी। विड्रॉल पे तो बाद में काफ़ी खफकी थोड़ी सी रही कि नहीं पूछा, बताया नहीं गया, अपेरेंटली लगता है ऐसा है कि फ़ौज कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद नवाज शरीफ वहाँ जाएंगे तो कुछ और बात करेंगे। मैं ख्याल लेकिन जिस तरीके से वो विड्रॉल में भी काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई थी, क्योंकि वो हाइट से आ रहे थे और कई जगह दे वर सिटिंग डक्स, उसका एक रिएक्शन हुआ था अमंग द मिडल एंड सीनियर एशलॉन्स। टेप जो थी एक लीक की गई थी इंडियंस की तरफ से
और जिसके अंदर कुछ ऐसी बातें हुई कि एयर चीफ और नेवल चीफ को भी नहीं पता था कि कारगिल हुआ। वो फौज के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं थी। एक तो फौज के अंदर सिर्फ 4 लोगों को या 5 लोगों को मालूम था सीनियर लेवल पर, बाकी कोर कमांडर्स को नहीं मालूम था। फिर आर्म फोर्सेस जिसके 3 शाखें हैं, बरी, बहरी और फिजाई। बरी फौज के कमांडर्स और 4 लोगों के अलावा फिजाई और नेवी वाले को तो मालूम ही नहीं था। तो ये बात क्या दुरुस्त है कि नेवल चीफ ने और एयरफोर्स चीफ ने प्राइम मिनिस्टर से ये शिकवा किया था कि उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया इसकी प्लानिंग में कारगिल की? उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था। क्या इस राय से मुत्तफिक हैं कि कारगिल जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज और सियासी जो क़्यादत है उसके दरमियान राब्तों की कमी, बल्कि एक तरह से ताकत की जो रस्सा कशी है उसकी एक बदतरीन मिसाल है? बाद में बन गई। जब कारगिल शुरू हुआ तो उस वक़्त कोई ऐसी रस्साकशी नहीं थी, कोई ऐसी रस्साकशी नहीं थी, बल्कि बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी। तो फिर क्या वाजपेयी के पाकिस्तान आने से फौज नाराज़ हो गई थी? उनके आने से 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी लीड स्टोरी आई एक उर्दू अखबार में कि फौज ने उनको रिसीव करने से इनकार कर दिया। तो ये किस सोर्स से आई, कहाँ से आई, क्यों आई, वो मेरे ख्याल में उसका पता नहीं चला। आपका एनालिसिस क्या कहता है? मेरा एनालिसिस कहता है कि कुछ लोग शायद खुश नहीं थे। हालांकि अजीब सी बात है कि आजकल तो हम मिन्नतें करते हैं मोदी साहब के कि आप हमसे बात करें, आने की तो बहुत दूर की बात है। चाहे वो शरारत थी, चाहे किसी ने खबर दी, वो उससे मेरे ख्याल में एक तासुर ये गया कि फौज शायद या कुछ अनासर फौज में खुश नहीं है। और हो सकता है ये उन्हीं लोगों से हुई हो जो कारगिल के अंदर मुंसलिक थे। अक्टूबर 1999 में कू हुआ, जो क्या आप ये समझते हैं कि कारगिल से जो फौज और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान तनाव शुरू हुआ था ये उसका नतीजा था? 12 अक्टूबर कारगिल का नतीजा था। तो जो उस अफसर ने कहा था ना कि या कोर्ट मार्शल होगा या मार्शल लॉ होगा, वो इस किस्म की सिचुएशन। अगर आई थिंक वो इकट्ठे भी शायद उमरा के लिए भी इकट्ठे गए थे सारे, आर्मी चीफ भी और प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त, लेकिन एक खलीज आ चुकी थी। लेकिन अगर मियां साहब उस वक्त फौज को एतमाद में ले लेते तो शायद कुछ हालात मुख्तलिफ ना होते। कोई खुफिया मौजदा तो हो नहीं रहा था। इनविटेशन टू वाजपेयी वॉज मामूल की कोई ऐसी चीज़ थी, कोई ऐसी सरेंडर नहीं था, कोई सेल आउट नहीं था। वो तो एक नेबरिंग कंट्री के जा रहे और हम एक पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे थे, वो हमारे पास चल के आ रहा है। कारगिल के बाद मुशर्रफ की और नवाज शरीफ की पर्सनल केमिस्ट्री कैसी थी? ज़ाहिर एक सस्पिशियस था, सस्पिशन कह लें, ज़रा वो एक खलीज तो आई हुई थी। क्या समझते हैं कारगिल का इस जो रीजन है उस पर क्या इम्पैक्ट रहा और पाकिस्तान पे क्या उसका असर हुआ? कारगिल का ये था कि इट वाज अ सेटबैक इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक हवाले से, एक तो हमारी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, एक कश्मीर के हवाले से और एक पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात के हवाले से कि जो अमेरिकन टिल्ट है वो हिंदुस्तान की तरफ चला गया। इंटरनली तो फिर वो यही हुआ ना कि जो डिफरेंसेस थे वो बढ़ गए, लेकिन उसके बाद मेन था नेशनल सिक्योरिटी, जो डिसीजन मेकिंग है हमें चाहिए था लेसन शुड हैव बीन लर्नड, और ताकि सिविल और मिलिट्री क़्यादत ऑन नेशनल इशूज शुड बी ऑन द सेम पेज, और उसकी ज़रूरत अब भी है, उस वक्त भी थी और हमेशा रहेगी।